रहीम, आप देख रहे हैं ज़मीन नामा और मैं हूँ बिलाल मसूद। आज आपको एक और खूबसूरत घर का विजिट कराएंगे जो कि मॉडल कॉलोनी में वाक़ है। 133 गज़ पर मुश्तमिल है और ग्राउंड प्लस वन इसकी अकोमोडेशन है। 2 बेड डीडी विद अटैच बाथ। और इसकी खसूसियत क्या है कि इसमें हर कमरे में अलमारियाँ बिल्टन हैं। इसकी फॉल सीलिंग बड़ी खूबसूरत हुई हुई है। आइए व्यूअर्स, आपको विजिट करवाते हैं। घर में आ चुके हैं और ये आप देख सकते हैं कारपोर्ट, कितना बड़ा कारपोर्ट बनाया हुआ है इन्होंने। और इसकी टाइल की फ्लोरिंग देख सकते हैं। देन हम आगे चलते हैं तो ये स्टेयर्स के नीचे जो पोर्शन होता है मशीन्स का, ये लगी हुई है। आगे चलेंगे, अमूमन बेसन होता नहीं है। बेसन आप देखें लगा हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है। मेहमान आते हैं तो लोगों को बाहर से अकोमोडेट आप कर सकते हैं। देन हम आगे चलते हैं तो इसका ये पाउडर रूम आ जाता है। पाउडर रूम आप देख सकते हैं, अभी इसमें लाइट नहीं है लेकिन आप देख सकते हैं कितना नाइट नाइट और क्लीन इन्होंने वॉशरूम बनाया हुआ है। देन हम आपको इस घर के अंदर लेके चलते हैं। इस घर के अंदर आप लेके चलते हैं लकड़ी का दरवाजा, काम आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत काम किया हुआ है। आपको इसकी जो डाइनिंग एरिया है, डाइनिंग एरिया में आप ये देख सकते हैं अलमारी कितनी खूबसूरत इन्होंने बनाई हुई है। बिल्टन अलमारियाँ हैं। आपको इन्होंने अच्छा खासा स्पेस एक यूटिलाइज किया हुआ है और आपको मैं खोल के भी दिखाता हूँ किस तरह की इनकी क्वालिटीज़ हैं। क्वालिटी है आप देख सकते हैं, अच्छा खासा इन्होंने स्पेस दे दिया है। लकड़ी की जो क्वालिटी है अच्छी क्वालिटी है। आपको मैं इसकी कैबिनेट्स दिखाता हूँ इसकी खोल के, ये आप देख सकते हैं। ऊपर से फॉल सीलिंग देख सकते हैं कि किस खूबसूरती से इन्होंने फॉल सीलिंग की हुई है। डिसेंट फॉल सीलिंग हुई हुई है। और हम आपको इसका किचन दिखाते हैं, बल्कि आपको इसका किचन दिखाते हैं। किचन की आपको इसमें कैबिनेट्स दिखाते हैं कि कितनी खूबसूरत इन्होंने कैबिनेट्स बनाई हुई हैं। इन्होंने लकड़ी का काम किस तरह की क्वालिटी का किया हुआ है तो आप देख सकते हैं। आजकल जो स्मार्ट चल रहा है, फिर इसमें एक एडवांटेज ये है कि जो भी घर लेता है उसको इन्होंने टर्बो की फैसिलिटी वो दी हुई है। फिर आजकल जो यूनिक चीज़ चल रही है वो ये देखिए, ये आजकल की जो यूनिक चीज़ है। फिर ये जो बेसन है, स्मार्ट सिंक दिया हुआ इन्होंने। और ये देख सकते हैं आप जो ऑफिस का काम करवाया हुआ इन्होंने। देन हम आपको इसके ड्राइंग रूम में लेके चलते हैं। ड्राइंग रूम में आपको, क्योंकि दो उसकी वो है एंट्रेंस है, ये डाइनिंग एरिया से एंट्रेंस है और एक जो बाहर से होती है यूजुअली बस एक वो एंट्रेंस है। आप इसकी फॉल सीलिंग देख सकते हैं कितनी खूबसूरत इन्होंने फॉल सीलिंग की हुई है। फॉल सीलिंग बड़ी नाइस है। फिर बाहर इन्होंने विंडो दी हुई है। देन आप इसकी, अगर हमारे दोस्त ये दिखा सकें आपको इसकी बैक साइड पे कि इन्होंने यहाँ पे शीशों का इन्होंने मिरर का एक स्पेस दे दिया है। यहाँ पे भी आप अपना सामान रख सकते हैं, यहाँ पे चार्जिंग वगैरह का मटेरियल आप रख सकते हैं। देन हम आपको आगे लेके चलते हैं व्यूअर्स, इस ग्राउंड फ्लोर के फर्स्ट रूम में आपको लेके चलते हैं। आपको देख सकते हैं कितना बड़ा स्पेस यहाँ पे अवेलेबल है। जो नॉर्मल कमरा होता है 11x12, उससे बड़ा ये कमरा है। और इस कमरे में आपको LED की स्पेस दे दी है। यहाँ पे LED आप लगा सकते हैं, इन्होंने एक फ्रेम बनाया हुआ है। देन इस कमरे में भी इन्होंने लकड़ी का इतना शानदार काम किया हुआ है कि इधर भी इन्होंने कैबिनेट्स दे दिए हैं, क्योंकि लोगों का आजकल सामान बढ़ गया है और स्पेस कम है घरों में। आप ऊपर फॉल सीलिंग देख सकते हैं, फॉल सीलिंग के साथ ये लाइटिंग लाइट देख सकते हैं कि लाइट इन्होंने बड़ी यूनिक इस्तेमाल की है। और इस रूम के, क्योंकि हर रूम के साथ अटैच बाथ अवेलेबल है, तो आपको मैं इसका वॉशरूम लेके चलता हूँ। आपको वॉशरूम में ये आप वॉशरूम देख सकते हैं, वॉशरूम में सैनिटी किस तरह की यूज़ हुई हुई है, वॉशरूम में टायर्स किस तरह के यूज़ हुए हैं। देन ऊपर भी इन्होंने हल्की सी फॉल सीलिंग की हुई है। सैनिटरी देख सकते हैं, टाइल्स देख सकते हैं, शावर देख सकते हैं आप, शीशे किस तरह का यूज़ हुआ हुआ है। देन हम आपको आगे की तरफ लेके चलते हैं। आ जाइए व्यूअर्स, ये यहाँ का वॉशिंग एरिया हो गया। वॉशिंग एरिया आप देख सकते हैं इसकी, यहाँ पर वॉशिंग एरिया, यहाँ पर अकोमोडेशन वॉशिंग एरिया की। देन ऊपर आप देख सकते हैं अकोमोडेशन के लिए इन्होंने वेंटिलेशन भी दी हुई है। आगे चलते हैं व्यूअर्स, इस रूम में आपने वॉशिंग एरिया देखा है। इस रूम के साथ एक और रूम है जो आप, जिसको हम आपको दिखाते हैं। इस रूम में भी सेम जो है अलमारी का इन्होंने दिया हुआ है। अलमारी के साथ ऊपर आप फॉल सीलिंग देख सकते हैं। आप अलमारी
के साथ आप इसकी फॉल सीलिंग देख सकते हैं, कितनी अच्छी फॉल सीलिंग उन्होंने यूज़ की हुई। लाइट का जो उन्होंने दिया हुआ है एक मैच बड़ा अच्छा दिया हुआ है, क्योंकि जो कम्बिनेशन बन रहा है बड़ा खूबसूरत बन रहा है। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे भी LED की इन्होंने एक स्पेस दे दिए, यहाँ पे इन्होंने स्विच दे दिए LED के लिए, और यहाँ पे आप कॉर्नर में देख सकते हैं कि जो इन्होंने विंडो दी हुई है वेंटिलेशन के लिए, ताकि विंड जो है यहाँ से क्रॉस हो सके। देन हम आपको इस रूम के अटैच बाद में लेके चलते हैं, जैसे इसका क्योंकि वॉशरूम का साइज़ भी थोड़ा बड़ा है, तो आप ये देख सकते हैं इसकी टाइलिंग भी थोड़ी डिफरेंट है पिछले वाले के मुकाबले में। इसकी सैनिटी देख सकते हैं, टाइल वर्क देख सकते हैं, शावर देख सकते हैं,